बच्चों आज हम फिर आपके साथ बहुत फनी एक्टिविटी करने वाले हैं जो दोनों क्लासेस में फोर्थ और फिफ्थ में है। चैप्टर परिवार कल आज और कल, और फोर्थ में है हमारी पहचान हमारा परिवार, यानी कि दोनों क्लासेस में परिवार का है। और मैंने इसलिए तुम्हारे लिए ये बनाया है, देखिए सभी बच्चे, ये है फैमिली। देखो सभी, देखो देखो फैमिली दिख रही है। Yes, अब कितनी प्रकार की दिख रही है आपको फैमिली? दो प्रकार की दिख रही है ना। Yes, ये देखो इधर दो प्रकार की फैमिली दिख रही है, मैंने पॉइंट भी लगाए हुए हैं, एक और दो। तुम भी देखो बच्चे, तुम भी देखो। अब मुझे बताओ पहले पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है? एकल परिवार। और दूसरे पे क्या लिखा हुआ है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, इट मीन्स परिवार कितने प्रकार के हुए? दो, एकल और संयुक्त। अब चित्र में देखो कैसे होते हैं एकल परिवार, ये रहा देखो एकल परिवार है ना। इस एकल परिवार में मदर, फादर और उनके बच्चे, यानी मम्मी पापा और उनके बच्चे है ना, ऐसे ही एकल परिवार में ये हो गया। दूसरा है संयुक्त, ज्वाइंट फैमिली, इसमें कौन कौन होता है चित्र देख के बताओ बच्चों। दादी, दादा, चाची, चाचा, मम्मी, पापा, वही। वाह, वेरी गुड, तुमने तो बता दिया एक बार में। यानी कि संयुक्त फैमिली में कौन कौन है यहाँ पर देखो, दादा, दादी, चाचा, चाची और पापा, मम्मी और बहन भाई कजन जो होते हैं है ना, वो सब, वो होती है हमारी ज्वाइंट फैमिली। तो तुम्हारे समझ में आ गया फैमिली कितने प्रकार की होती है? दो। बताओ कौन कौन सी? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। वेरी गुड। और एकल परिवार में कौन कौन होता है? मम्मी, पापा और बच्चे। ये चित्र है एकल परिवार का, ये है संयुक्त परिवार का। तो तुम्हारे समझ में आ गया फैमिली कितने प्रकार की होती है? दो, एकल और दो। संयुक्त। संयुक्त दो नहीं बोलना है, एकल और संयुक्त, ओके डन।